अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खालिद और आपका एक बार फिर से कुछ आमदीद है मेरे चैनल ट्रांसक्राइब टेक में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी, सवाल आ रहा था कि सर आप अपने PC पे जो है, हमने देखा है कि आप जो है मोबाइल को कंट्रोल करते हैं, कि तो किस तरीके से करते हैं, यानी कि आप जो मोबाइल की स्क्रीन है वो आपकी PC पे आ रही होती है और आप अपने मोबाइल को जो है माउस के ज़रिए, अपने कंप्यूटर के ज़रिए या लैपटॉप है उसके ज़रिए कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो ये आप किस तरीके से करते हैं? या फिर जो आपकी जो स्क्रीन है विंडो की कंप्यूटर की, उस पर आपकी कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग भी आ रही होती है और साथ साथ आपके मोबाइल की भी स्क्रीन चल रही होती है, तो दोनों चीज़ें आप एक साथ किस तरीके से करते हैं? तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। आपने भी अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, क्योंकि जब मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ तो उसमें जब डेस्कटॉप और मोबाइल एंड्रॉयड दोनों के हवाले से मैंने आपको बताना होता, तो फिर मैं जो है बजाय इसके कि मोबाइल में अलग से स्क्रीन रिकॉर्ड करूँ और यहाँ पर अलग, तो जो है मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे अपने PC अपने मोबाइल की। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। इसके लिए जो है वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस और बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, ऑनलाइन भी आपने देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, लेकिन वो थोड़े से डिफ़िकल्ट वे में बताते हैं कि आप ऐसे कर लें ऐसे कर लें, तो मैं आपको सिंपल और शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। और भी तरीके हैं मेरे पास, वो मुख्तलिफ और फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज मैं आपको एक तरीका बताऊँगा एक एप्लीकेशन के ज़रिए, बहुत आसान है, सिंपल है, उसके ज़रिए जो है आप अपने जो है मोबाइल की जो स्क्रीन है वो अपने कंप्यूटर पे देख सकेंगे या लैपटॉप पे देख सकेंगे। अगर आप हैं यूट्यूबर तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अपने जो है रिकॉर्डिंग के हवाले से, लेकिन अगर आप यूट्यूबर नहीं हैं और आप वैसे ही अपनी स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं अपने PC या लैपटॉप पर, ताकि आप अपनी पिक्चर्स वगैरह जो हैं या मूवीज़ वगैरह हैं मोबाइल की वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख सकें। मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, इसलिए थोड़ा सा जो है ना बंदा कभी कभार चाहता है कि यार क्यों ना हम जो अपने फ़ोटोज़ हैं या अपनी वीडियोस वगैरह हैं वो अपने मोबाइल पे इजीली देख लें, या अपनी कोई प्रेजेंटेशन आपके मोबाइल पे मौजूद है और आप चाह रहे हैं कि वो प्रेजेंटेशन जो है अपने मोबाइल के बजाय जो है ना आप किसी लैपटॉप या PC पे देखें, या कोई जो मतलब PC के साथ कोई बड़ी LED कनेक्ट है तो ज़्यादा है उसको देखने में, प्रेजेंटेशन को देखने में ज़्यादा और आसानी हो जाती है। अच्छा, ये जो मैं एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ इसका इतना ही काम नहीं है कि आपकी स्क्रीन शेयर कर देगी या आपने अपने मोबाइल को थोड़ा सा यहाँ से कंट्रोल कर लिया, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अभी आपको मैं एक बेनिफिट बताता हूँ, जैसे कि आपके मोबाइल में अगर कोई इशू हो जाता है या आपके PC में कोई इशू है और जिसका सलूशन आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन वही इशू आपका दोस्त सॉल्व कर सकता है इजीली, लेकिन वो चाह रहा है कि आपका जो कंप्यूटर है या मोबाइल है वो उसके पास मौजूद हो, अब वो बिलफर्ज किसी शहर से बाहर बैठा है, तो अब आप क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर का मसला है, ठीक हो गया ना, हार्डवेयर की नहीं मैं बात कर रहा, सॉफ्टवेयर का। आपकी विंडो करप्ट हो जाती है या कोई वायरस आपके PC में आ गया या मोबाइल में आ गया है, या कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे कौन सा फोल्डर के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ रखी, कुछ भी इशू हो सकता है बिलफर्ज, तो आप चाह रहे हैं कि यार वो मसला उस दोस्त वो मुझे दोस्त बता दे, तो उसके लिए भी ये एप्लीकेशन यूज़ होती है। मतलब कि ये एप्लीकेशन आपका दोस्त जो है अपने पास इंस्टॉल करेगा, एक जिसमें मसला हो मोबाइल हो या PC हो, जिसमें मसला हो उसमें आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से आप उसको एक्सेस देंगे उस भाई को, वो वहीं बैठे बैठे जो है ना आपके मोबाइल में या PC में एक्सेस कर लेगा, मतलब आपका जो कंप्यूटर है आपका मोबाइल है उसको वो रन करेगा वहीं बैठे बैठे अपने घर पर, चाहे वो मुल्क से बाहर हो, चाहे वो दुनिया के आखिरी कोने में हो, कहीं भी हो, वो बंदा यहाँ नहीं है, वो आपका जो है वहीं बैठे बैठे आपका जो है सिस्टम सही कर देगा सॉफ्टवेयर अगर कोई इशू है उसके अंदर, तो ये इसका एक बड़ा बेनिफिट है। बाकी इसकी जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और लोगों ने जो इसकी स्क्रीन शेयरिंग के हवाले से वीडियोस बनाई हुई हैं, उन्होंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई हुई है कि हमने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की और इसमें जो है आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, पर ये जो आपकी मैंने वीडियो बनाई, उम्मीद है आपको जो है ना समझ आ गई होगी कि ये और मल्टीटास्क जो है एप्लीकेशन है और बहुत ही सिंपल है, कोई हैवी एप्लीकेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है, एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी और आप बड़ी आसानी के साथ इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करें, अपने दोस्तों को हैरान करें कि यार ये कैसे हो रहा है, आपका PC आप कहाँ बैठे हैं, आपका PC मैं जो है ना यहाँ से बैठ के रन कर रहा हूँ, तो ये देखो सारे शौक हो जाएंगे। तो चलिए,
तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से होगा। बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है। वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। इसमें जो एप्लीकेशन मैं इस्तेमाल करूंगा उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो ये वेबसाइट जो है, ये जो एप्लीकेशन है, आपको ये गूगल प्ले स्टोर से भी आराम से मिल जाएगी। दो एप्लीकेशन चाहिए होंगी, एक आपको चाहिए होगी पीसी के लिए, पीसी है या लैपटॉप है जो भी है, वेबसाइट में बता दूंगा आपको, उस पर जाकर क्लिक करेंगे अपने पीसी के लिए या लैपटॉप के लिए, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मोबाइल के लिए भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पे आपने एक सर्च करनी है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे एनी डेस्क, ये लिख कर सर्च करेंगे, आपके सामने जो है एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसको इंस्टॉल कर लें, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखें 10 मिलियन इसकी डाउनलोड्स है, 5K इसकी जो है, 50K इसके रिव्यूज़ हैं, 3+ की इसकी रेटिंग है, मतलब अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसको यूज़ करें, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे तो देखें कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेकर चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पे, वहाँ पे भी सेम एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल करनी है डाउनलोड करके। तो जी हम आ गए अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, ये देखें आपके सामने इंटरफेस नज़र आ रहा होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, हम आपने जाना है सिंपली अपने एक ब्राउज़र में, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें। मैंने ये ओपन कर लिया, गूगल को ओपन करें, गूगल लिख के ओपन किया। यहाँ पे अब हम सर्च करेंगे एनी डेस्क लिख कर, ये लिखा है। देखिए मुख्तलिफ़ वेबसाइट आपके सामने आएगी, जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आपके सामने आएगी anydesk.com, इस पर आप क्लिक करेंगे। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा सा लेट लोड हो रहा है। ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। अब इस तरीके की देखें आपके सामने इंटरफेस आएगा, ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है एनी डेस्क की। आपको क्या करना है, सिंपली ये डाउनलोड नाउ का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इस डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। ये देखें इंस्टॉलिंग शुरू हो चुकी है, डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है, सॉरी ये नीचे डाउनलोड हो रहा है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से ये कैंसिल हो गया और मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने का तरीका आपको आता होगा, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है इंस्टॉल करने का, एक क्लिक करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखिए हम वापस डेस्कटॉप पे आ गए हैं और यहाँ पे ये फाइल हमारी इंस्टॉल हुई भी है एप्लीकेशन। ये देखिए लोगो है इसका रेड कलर का एनी डेस्क का, इस पर मैंने क्लिक किया, ओपन किया, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपने क्या करना है, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ गया है, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा रिमोट डेस्क और एक खाना नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे। अब आपके मोबाइल में जो है एनी डेस्क है, हमने उसको ओपन करना है। तो हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और उस एप्लीकेशन को ऑन करते हैं जो हमने मोबाइल में इंस्टॉल की थी एनी डेस्क की। ये हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है ऑन, ठीक हो गया। अब ये देखें ये इंटरफेस है इस एप्लीकेशन का। अब ऊपर आपको एक कोड नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, यूअर एड्रेस 9973257701। अब आपने क्या करना है, इसको लिखना है इधर इस जगह पे, आपने इसको कॉपी करना है, इसको देख के लिख लें। तो मैं यहाँ पे इसको टाइप कर लेता हूँ। हर किसी का जो है वो अपना अलग से कोड होगा, कि मेरा अपना कोड ऐसे कनेक्ट पे क्लिक किया और ये हमारा होने लगा है कनेक्ट। थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद ही कनेक्ट हो जाएगा और आपकी स्क्रीन हो जाएगी वहाँ पर शेयर। अब हमारे पास देखें ऑप्शन आ गया है मोबाइल की स्क्रीन पे। ये मोबाइल की स्क्रीन भी मैंने साथ दोबारा से शेयर की हुई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया एक्सेप्ट, हमने एक्सेप्ट किया। अब स्टार्ट नाउ पे हमने क्लिक किया और ये हमारा मोबाइल हो गया कनेक्ट हमारे पीसी से। अब ये देखें मोबाइल को मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, अपने माउस के ज़रिए। देखें मैंने इसके एप्लीकेशन को मूव किया मैंने, ये देखें, और जो है मैं एप्लीकेशन आपको ये देखें ऑन करके दिखाता हूँ। ये फोल्डर ऑन करता हूँ, ये मैंने फोल्डर ओपन किया और ये देखें ये मैं सब कुछ अपना मोबाइल से कर रहा हूँ पीसी में। ये सेटिंग्स मैंने ऑन की, इसको मैंने स्क्रॉल डाउन किया। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ यहाँ से बैक, ये देखें तो कितनी आसानी से देखें मैं एक्सेस कर रहा हूँ इसको। और डेमो मैं आपको दिखा चुका हूँ स्टार्ट में, मजीद में आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें फाइल्स ओपन करके और यूट्यूब को प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा फिर से। ये हमारी स्क्रीन शेयर हुई भी है हमारे पीसी पे और ये मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने मोबाइल को अपने पीसी के साथ।
आप देख सकते हैं मेरा जो है मोबाइल भी, इसकी स्क्रीन भी वहाँ पे साइड पे शेयर हो रही है और यहाँ पे भी शेयर हो रही है। ये हमारे दोस्त का चैनल है अतीक सहर व्लॉग्स, इनको भी आप विज़िट करें, अच्छा चैनल है, अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। देखें आपको फुल स्क्रीन नजर आ रही होगी, ये देखें इस तरीके से हम अपनी जो है स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, पीसी में, और इसको एक्सेस भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो के हवाले से तो आप हमें पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, या कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाएं, लिंक पर क्लिक करें, मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो करें, मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को करें लाइक और शेयर करें तमाम दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर सकें रेगुलरली। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।